Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So today I am going to show you how to make kabli pulao. Kabli pulao banane ke liye hame jo ingredients chahiye wo already mentioned kar diye hain. तो यहाँ पर हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और जो स्पाइसेस रिक्वायर्ड हैं वो भी ले लिए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली राइस जो है वो दावत के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, रेसिपी भी रिकॉर्ड कर दी। सबसे पहले 2 कप ऑयल के ऐड किए हैं, साथ ही उसमें 3 लार्ज ऑनियन जो कि स्लाइस किए थे वो ऐड कर देंगे। जैसे ही ब्राउन कलर हो जाए साथ ही उसमें खड़ा मसाला ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून्स के करीब। उसमें चिकन ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2 kg चिकन लिया है, और उसे फ्राई कर लेंगे जैसे ही उसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही उसमें 2 लार्ज टोमेटोज जो कि स्लाइस करके ऑलरेडी रख दिए थे वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर लेंगे, और साथ ही 1 बाउल योगर्ट ले लिया है 4 to 5 टेबल स्पून्स भर के, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें वाइट चने ऐड कर देंगे। 2 कप वाइट चने लिए थे और उन्हें बॉईल कर लिया था। अच्छे से इनको भी मिक्स कर लेंगे इसमें, और साथ ही जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और चिकन क्यूब नहीं ऐड किया, उसको लास्ट में ऐड करेंगे। बाकी रिमेनिंग स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट यहाँ पे 2 टेबल स्पून्स लिया है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद कवर करके 5 to 6 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो 6 मिनट्स के बाद यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 चिकन क्यूब्स ली हैं, वो ऐड करने के बाद इसमें चिकन सूप डाल देंगे यानी कि यखनी। यखनी 1 जग के करीब यूज़ की है, अराउंड 6 ग्लास, और साथ ही 1 जग वाटर का, सिंपल वाटर का ऐड कर देंगे। यखनी बनाने का तरीका ऑलरेडी पुलाव की रेसिपी में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, उसी मेथड से यखनी प्रिपेयर की है। यहाँ पर रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कम था, इसलिए 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड किया है। साथ ही ग्रीन चिली 10 to 12 ले ली थी और उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे, और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बस इसे कवर करके छोड़ देंगे जब तक के बॉयल हो जाए। तो जैसे ही बॉयल हो जाएगा साथ ही इसमें 3 kg राइस ऐड कर देंगे। अगर ग्लास के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 9 ग्लास है, इन्हें भी 1 आवर पहले सॉक करके रख दिया था। और बस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि 70% वाटर ड्राई हो जाए। तो जैसे ही 30% वाटर इसमें रह जाए साथ ही इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए किशमिश यूज़ की है यानी कि रेजिन्स, और साथ ही कैरेट यूज़ की है फ्राई करके, 1 कैरेट ली थी। एलिमेंट्स ऐड करेंगे और बस इसे कवर करके 10 टू 15 मिनट्स के लिए स्टीम दे देंगे। तो 15 मिनट्स के लिए स्टीम दे दिया था, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है काबली पुलाव।
बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बना था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।